फिर इसी में बना लेंगे दो डबल क्रोशिया और एक और बना लेंगे तीन डबल क्रोशिया फ्रेंड्स सोनवास ट्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स देखिए ये टोरन डिजाइन गेट पर्दे का डिजाइन जो कि हम इसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं सेकेंड पार्ट शेयर करना है तो चलिए देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको बना करके कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स बने रही वीडियो के एंड तक और ये देखिए हमने इतना बना करके कंप्लीट कर लिए देख सकते हैं आप लोग ये हमने फर्स्ट यहाँ तक आपको बताया था ठीक है सेकेंड की फर्स्ट रो बताई थी जहाँ पर हमने देखिए यहाँ थर्ड वाले रो पे हम पहुँच गए हैं सेकेंड भी हमने हम कम्प्लीट कर लिया है और इस रो की देखिए सारी फर्स्ट सेकेंड है ना पूरा हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है बना के इसी रो को फिर हम और लंबा करेंगे आप इसको चार जैसे कि ये वन है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव जितना आप चाहे लॉन्ग बनाना चाहते हैं जितना लंबा बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको बना करके कंप्लीट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल टोरन है बिजनेस भी आसानी से बना लेंगे इसको तो चलिए यहाँ टू लाइन हमने कंप्लीट कर ली है ना अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ थर्ड वाली रो भी कंप्लीट कर ली है ये देखिए हमने फिर यहाँ पे ये यह देखिए इसकी थर्ड रो भी ऐसे ही कंप्लीट कर देखिए वन टू थ्री सेम फर्स्ट वाले की तरह ही इसको पूरा करना है ठीक है इसकी तरह ही चलिए इस अभी हम इसको आपको मैंने इतना बता दिया है थोड़ा सा और बना के दिखाते हैं फिर दिखाते हैं आगे कि आगे का डिज़ाइन में हमें कैसे क्या करना है तो फ्रेंड्स बने रही वीडियो के एंड ने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ त् थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन बना लिया है ठीक है फिफ्टीन बनाने के बाद इसको नॉट लगा देंगे एक नॉट लगाएंगे अब देखिए जो ये सेकेंड वाली जो रो है ना यहाँ पर सेम जैसे हमने फर्स्ट वाली बनाई थी सेम वैसे इसको बनाना है अब देखिए क्या करना है इसको ला करके यहाँ पे तीन हमने डबल क्रोशिया बनाया तो तीन का छे कर देंगे ठीक है डबल डबल कर देंगे तो इसी जगह पे फिर एक और निकाल लेंगे दो हो जाएगा फिर नेक्स्ट यहाँ पे बीचों बीच में डाल करके बनाएंगे तो यहाँ भी दो कर लेंगे वन दो चार ए? बना लिया हमने लास्ट में फिर थर्ड वाले पे एक और बना लेना है डबल क्रोशिया एंड फिर उसी में एक और डबल को यानी कि छः डबल क्रोशिया बना लेना है ठीक है फिर धागे को एक चेन लगा लेना है यहाँ पे और धागे को थोड़ा सा खींचते हुए यहाँ पे और थोड़ा सा इसको खींचेंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पफ बनाना जैसे कि हम पूरे डिज़ाइन में कंप्लीट कर रहे हैं पफ देख सकते हैं आप लोग सेम वैसे ही पफ बना करके कम्प्लीट करना है तो देखिए आपको हमने पफ बनाना बता दिया है पूरी ये रो हमने कंप्लीट इसी तरीके से करनी है पूरी एक पफ आप बना लेंगे तो पूरा मतलब आप डिज़ाइन कंप्लीट कर लीजिएगा इसका ठीक है देखिए थोड़ी दूरी पे फिर उठाएंगे इसको फिर यहाँ से बनाएंगे पफ वन टू थ्री एंड फोर देखिए इस तरीके से बनाया फिर इस तरीके से चेन लगा करके फिर थोड़ी दूरी पर है ना फोर फाइव जितना आप बना रहे होंगे उतना ले लीजिएगा फिर वन टू थ्री फोर फिर इस तरीके से और फिर यहाँ पे ठीक है वन टू थ्री बना लिया हमने ठीक है तो इस तरीके से बना करके इसको कंप्लीट करेंगे पूरी रो हमें ऐसी करनी है बनाते हुए चले जाना है तो चलिए हमने इसको आपको बता दिया है पिछली वीडियो में भी इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो आप लोग देख करके बना लीजिएगा वहाँ से अब चलिए हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट वाली डिज़ाइन और फिर हम पूरा आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे अभी इसमें हमको डिज़ाइन में ग्रीन कलर से भी डिज़ाइन भी बनाना है दो कलर से हम स्टूडेंट को बना रहे हैं गिट पर डिज़ाइन को ग्रीन कलर एंड वाइट कलर से ठीक है तो चलिए फिर इसको बनाने के बाद उसको देख लेते हैं तब तो तक इसको कंप्लीट करके ज्वाइंट करके फिर नेक्स्ट इस डिज़ाइन इसके स्टार्ट करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बने रही वीडियो के एंड हमने आपको कंप्लीट करके दिखा दिया अब फिर बल लेते हुए जाएंगे और यहाँ बीचो बीच में इसको ज्वाइंट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ भी बता, बना लेंगे तीन डबल क्रोशिया तो एक डबल क्रोशिया बना लेंगे दो डबल क्रोशिया और एक और बना लेंगे तीन डबल क्रोशिया ठीक है तो देखिए तीन डबल क्रोशिया बना लिया फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसी तरीके से धागे को इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पे फिर पफ बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसी तरीके से पूरी रो और पूरी टोरेंट डिज़ाइन हमें कंप्लीट करनी है जिसकी नेक्स्ट वाली डिज़ाइन है चलिए आपको दिखा दें किस तरीके से किस तरीके से उसको बना करके कंप्लीट करने वाले हैं देखिए इसको इस तरीके से खींचते हुए फिर थोड़ी दूरी पे लाएंगे इसको और फिर ऐसे करते हुए फिर यहाँ भी पफ बनाएंगे ठीक है देखिए इस तरीके से पफ बनाते हुए चले जाना है इस तरीके से और फिर इस तरीके से निकालेंगे इसको और फिर थोड़ी दूरी पे ये निकाल लेंगे ठीक है तो इस तरीके से पफ बनाना है तो ये तो हमने कंप्लीट कर लेना है बाद में अभी आपको हम दिखा दें जो नेक्स्ट वा डिज़ाइन आपको हमें बताना है देखिए थ्री थ्री का रो बनाया है हमने देख सकते हैं आप लोग वन टू थ्री वन टू थ्री यहाँ भी थ्री है और फिर देखिए हमको इस डिज़ाइन को भी फ्रेंड्स क्लियर करना है ठीक है देख सकते हैं आप लोग जो ये डिज़ाइन है थ्री का पेयर बनाया है ना यहाँ पे तीन और यहाँ भी थ्री है देखिए इस तरीके से यहाँ भी थ्री बनाया हमने ठीक है तो यहाँ पे देखिए थ्री बनाया है और यहाँ भी थ्री बनाया है और यहाँ पे हमको इसको बढ़ा करके आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे झालर लगाने के लिए फिर यहाँ भी इसको बड़ा करेंगे झालर लगाने के लिए इसको भी बड़ा करेंगे झालर लगाने के लिए चलिए इसको एक हम आपको बना करके दिखा देते हैं किस तरीके से बनाएंगे ठीक है सबसे पहले एक नॉट लगा लेते हैं जिस तरीके से आप लगाते हो लगा लीजिएगा और ये हमारा क्रोचे हुक है जिससे हम बुनाई करते हैं वही है और फिर देखिए इसको पकड़ेंगे इस तरीके से ठीक है और आप चाहे तो पफ बना करके भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं और नहीं तो आप सिंपल इस तरीके से इसको बढ़ाते जाइए ठीक है तो देखिए वन टू बना लिया यहाँ पे ठीक है लास्ट में थ्री बना लेते हैं देखिए थ्री बना लिया हमने यहाँ पे और फिर सब में दो दो बना लेते हैं वन और टू देखिए दो बना लिए चार हो गया फिर नेक्स्ट में वन और ये टू बना लिया फोर अगर आप बड़ा चाहते हैं इससे तो आप बीच में भी दो दो तीन तीन बना लीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा तो जिस तरीके से आप एक में बढ़ाइएगा ना सब में वैसे ही बढ़ाते जाइएगा फंदे बिल्कुल भी अलग मत करिएगा है ना तो यहाँ पे देखिए हाँ इसमें भी दो इसमें भी दो इसमें भी दो और लास्ट वाले में थ्री बनाना है लास्ट वाले में थ्री बनाएंगे और बीच में दो दो, दो बनाएंगे देखिए इस तरीके से फिर नेक्स्ट ये जो लास्ट वाला है इसमें भी बना लेंगे हम एक डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए तीन डबल क्रोशिया बना लिया हमने ये देखिए इस तरीके से ठीक है ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसको फैला दिया फिर यहाँ से वन टू चेन लेंगे वन एक थ्री फिर टर्न हो जाएंगे और इसी में फिर हमको बना लेना है वहाँ पे देखिए टू डबल क्रोशिया करेंगे और फिर सब में टू टू या फिर थ्री इस तरीके से देखिए बढ़ाते हो जाएंगे है ना आप इसको जितना चौड़ा रखेंगे उतना अच्छा लगेगा ये क्योंकि इसमें हमको फिर डिज़ाइन भी स्टिच करनी है ना वैसे इसमें झालरें लगानी है तो ज़्यादा रहेगा चौड़ा तो इसमें ज़्यादा झालर लगेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा लुक इसका काफ़ी अच्छा लगेगा तो इसलिए ज़्यादा झालरें लगाने के लिए हम इसको थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं ठीक है आप चाहें तो छोटा सा भी रख सकते हैं बड़ा भी बना सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं तो इसी तरीके से आप लोग बनाते हुए चले जाइएगा फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है हमने कहा आपको दिखा दें ये भी कैसे बनेगा ताकि आप लोग डिज़ाइन के साथ साथ इसे भी कम्प्लीट कर लीजिए और उसके बाद से फिर जब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे दूसरी वाली तो फिर आपके साथ उसकी भी वीडियो शेयर करेंगे ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ सिंगल हो गया तो इसको यहाँ पे हम डबल कर देते हैं देखिए इस जगह पे तो फ्रेंड्स वीडियो पर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें ठीक है तो और जो आपको अगर समझ में आता है जहाँ नहीं आता आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाई जरूर देती हूँ ठीक है ना तो इस तरीके से करते हुए पूरा हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये देखिए राउंड शेप में बनता जा रहा है आप इसको पफ बना कर भी राउंड शेप में बना सकते हैं लेकिन हमने जैसे कि अब हम इसी तरीके से बना रहे हैं तो सारा हम ऐसे ही बना करके और यहाँ पे आप पम्पम फ्लावर स्टिच कर सकते हैं या कोई फ्लावर बना करके स्टिच कर सकते हैं या फिर कुछ भी डेकोरेट करना है तो लगा करके इसको हम डेकोरेट करेंगे बाद में अभी तो हमने बस इस तरीके से बना लेना है ठीक है देखिए अभी देखिए इसको कितना बड़ा हुआ है उसी हिसाब से रखेंगे इसको ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए काफ़ी बड़ा भी नहीं चाहिए क्योंकि नीचे तक हमें फिर झालरे भी लगानी है इसमें देखिए ठीक है तो हमने यहाँ पे इसकी फोर्थ राउंड कंप्लीट कर ली है आप चाहें तो इसकी फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट कर सकते हैं देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स ठीक है तो और बड़ा करेंगे इसको और फिर यहाँ पे बना करके कंप्लीट करेंगे देखिए दो डबल क्रोशिया और फिर सब में दो दो डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से अगर तीन लेंगे तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो दो दो डबल क्रोशिया लेंगे ठीक है देखिए सब में दो दो डबल क्रोशिया बना लेंगे ये देखिए दो ठीक है दो ये देखिए इस तरीके से ये सिंगल है इसमें डबल कर देंगे और सब में डबल डबल क्रोशिया बना लेना है ठीक है तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करके इसको बना लेना है बाद में इसमें हम ग्रीन कलर से झालर लगाएंगे तो ग्रीन कलर वाला वर्क हम बाद में करेंगे इसलिए केवल अभी व्हाइट से ही बना रहे हैं सारा कुछ जितना व्हाइट से बनाना है उतना आपको हम बता दे रहे हैं बाद में जब ग्रीन कलर लेके आएंगे तब फिर आपको बताएंगे कि, कि किस तरीके से उसको बनाना है उसमें अटैच करना है ग्रीन कलर को ठीक है तो इसी तरीके से फ्रेंड्स इसको बनाइएगा और जहाँ आप कन्फ्यूज़न हो थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और मैं लाइव भी आती हूँ फ्रेंड्स तो आप लोग लाइव में कनेक्ट होगा करिए जिससे कि अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ से पूछ करके क्लियर कर सकते हैं ठीक है तो ये देखिए अब इतना बड़ा ये काफ़ी बड़ा हो गया ठीक है और राउंड शेप में है तो बहुत प्यारा लग रहा है इतना ही बड़ा रहने देंगे तो इसको बना करके हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट वाला कंप्लीट करेंगे ठीक है ये देखिए कितना ये ईजी है फ्रेंड्स और बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है जैसा हमने पफ वाला एक बार बनाया था तो पफ से थोड़ा सा अलग हटके है देखिए है ना ये देखिए बहुत जल्दी ये बन जाएगा वैसे सारी झालरें रे बस कम्प्लीट करने के बाद हम इसकी एक ही अभी एक और रो बनाएंगे ठीक है अभी ये टू टू का रो कंप्लीट कर रहे हैं थ्री बार फिर एक और रो कंप्लीट करेंगे उसके बाद से फिर जाके हम इसको बनाएंगे इसके बाद से फिर ग्रीन स्टिच का भी वर्क में काफ़ी करना है और बनने के बाद बहुत ही यूनिक से डिज़ाइन बनने वाली है फ्रेंड्स तो वीडियो वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा जब भी मैं अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट जो भी हो आपको मिलता रहे टाइम टाइम पर ठीक है देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना राउंड शेप में ये एकदम ये देखिए तो इसको हम थोड़ा सा ये जो कवर करना है इसको कवर करके फिर दिखाते हैं फाइनल लुक कर लिए देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा सा ये एकदम चौक राउंड शेप हाफ राउंड कंप्लीट हो गया है बन करके ठीक है अब यहाँ पे हम थ्रेड को कट करेंगे क्योंकि डिज़ाइन हमारी यहाँ पे वाइट वाली अब कंप्लीट हो गई है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसको कट करेंगे और ये देखिए ठीक है ये देखिए बन के हमारा कम्प्लीट हो गया अगर ये जैसे बैक साइड में इसको वो करना है ना तो इसको ढकने के लिए धागे को अंदर साइड में इधर ला करके तब बाद में कट करेंगे जिससे कि थ्रेड कहीं दिखे नहीं बाद में इसको हम सही करेंगे अभी तो फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं और चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक किस तरीके से लग रहा है आज का मतलब इतना ही बनाने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए अभी झालर बनाने के लिए हमने वूल इतना रखा हुआ है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इतना लंबा ये हो गया है ना ऐसे ऐसे रहेगा देखिए फ्रेंड्स ऐसे रहेगा बहुत प्यारा लगेगा ये देखिए अब यहाँ पे हमें इसमें झालरें बनानी है जो कि हम बाद में बना करके कंप्लीट करेंगे बहुत प्यारा लगेगा फिर ऐसे ही यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जैसे सेम यहाँ से चार से स्टार्ट किया तीन से यहाँ पर तीन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम इतना राउंड शेप में इतना बनाएंगे तो यहाँ भी झालरे लगाएंगे यहाँ से झालरें रहे यहाँ जाएँगी और फिर इधर भी बनाएंगे तो यहाँ झालरें नीचे जाएंगी और आप चाहते हैं तो इसका एक राउंड और बनाएंगे जिससे और लंबा काफ़ी लंबा हो जाएगा तो वहाँ भी झाल रहे हैं और जाएँगे भूल काफ़ी लगेगा अगर आप टू राउंड में बनाते हैं तो कम ही लगेगा और ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा लगेगा तो अभी हम फिर देखेंगे फिलहाल कितना का बन पाएगा ठीक है एकदम तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा भूलिएगा मत और चैनल पर अगर नए होंगे तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वरना अनसब्सक्राइब मत कर दीजिए अगर आप लोग ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा होगा तो फिर से उसको सब्सक्राइब मत करिए क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है फ्रेंड्स ठीक है तो फिर देख सकते हैं मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग